नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। मायावती ने बसपा के सारे अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के कौशाम्बी में चाल विधानसभा क्षेत्र के अशरफपुर मरधरा गांव में प्रदेश सरकार के श्रम सेवा योजना एवं समन्वयक मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक की लाट का अनावरण किया है। निर्धारित समय से लेकर के लगभग ढाई घंटे से देर पहुंचे मंत्री का कार्य कर्ताओं ने भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में भाजपा सरकार के 4.5 साल में कराए गए विकास कार्यों को गिनाया। इसके अलावा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश से अब बसपा का खेल खत्म हो रहा है, क्योंकि मायावती ने बाबा साहब के मिशन को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा मान्यवर काशी राम के विचारों का गला घोट दिया गया है। बहन मायावती ने बसपा को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है, आर्थिक स्रोत का संसाधन मान लिया है। उन्होंने बसपा के सारे अरमान पर पारी फेरने का काम किया है। बसपा सुप्रीम, वो अब किसी के हाथ में कोई कमान, बसपा सौंप दे, अब बसपा का कोई भला होने वाला नहीं है। यूपी की राजनीति से बसपा को लोगों ने खारिज कर दिया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र उत्तम पटेल पर निशाना साधते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश की जनता देख रही है किसकी सरकार में दंगे होते हैं, बहन बेटियों की आबरू लूटी जाती है, रंगहाड़ हत्या जैसे जघन्य अपराध होते हैं। अब जब सबको न्याय मिल रहा है तो सपा की तारीफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनीष के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि कानून के सतंजे से आज तक कोई भी आरोपी बच नहीं पाया है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। स्वाभाविक रूप से ये अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि ये अतीत गौरवशाली इतिहास का प्रतीक, हमारे राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का सम्मान आज इस सम्राट अशोक की लाट के अनावरण से हुआ है। और मैं इस क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अतीत गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक अनूठी पहल की। और दूसरा सवाल ये है कि बसपा ने अपना वर्जन 2 लॉन्च किया है, प्रतीक और आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप चूँकि पार्टी में रहे हैं तो क्या मायने निकाले जाए इसके चुनाव से पहले? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का खेल खत्म हो चुका है। सुश्री बहन मायावती जी खुद बाबा साहब के मिशन को ध्वस्त कर दिया, मानवर कांशीराम जी के विचारों का गला घोट दिया, साथ ही साथ सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के प्रतीक बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने अपनी निजी संपत्ति समझ ली, आर्थिक स्रोत का संसाधन मान लिया। यही काम ये तो जनता देख रही है कि किसकी सरकार में दंगे होते थे, किसकी सरकार में मारकाट होता था, किसकी सरकार में गुंडाराज था, किसकी सरकार जंगल राज की पर्याय बनी थी, किसकी सरकार में गरीबों की ज़मीनों पर कब्जे होते थे, लोगों के घरों पर ताला लगा दिए जाते थे, बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती थी, राज चलते गोली मार दी जाती थी। तो लाल टोपी वालों को सदबुद्धि आनी चाहिए। आज अगर सुशासन है, कानून का राज है, आज सबको न्याय मिल रहा है, सबको इंसाफ मिल रहा है, तो उनको किसकी तारीफ करनी चाहिए? उल्टा जो है सत्ता ना पाने का भड़ास निकालने का काम जो कर रहे हैं, हम समझते हैं ये सर्वथा अनुचित है। मनीष गुप्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी? देखिए, हमारी सरकार में अब तक जितनी भी कोई भी घटनाएं जो भी घटी हैं, सभी घटनाओं के अपराधी जेल की सलाखों में गए हैं। कोई 24 घंटे के अंदर गया, कोई 48 घंटे के अंदर गया, लेकिन गया, कोई भी बचा नहीं। चाहे कितना भी वो मजबूत बाहुबली क्यों न रहा हो, कितना बड़ी हस्ती क्यों न रहा हो, जो भी आया कानून कहते जो भी आया वो चढ़ा, कानून ने अपना काम किया, कानून को जेल की सलाखों में भेजा, ये भी सब जेल की सलाखों में जाएगा।